Good morning, fifth class. This is your English literature book, English Around Us. We are going to start our first chapter today. And we have our first chapter, A Little Bird. Okay, chapter number one, A Little Bird. It's a poem. Startup. Startup में आपको क्या दिया हुआ है बेटे? Work in groups. यानी आपको जो ये जो काम करना है ये groups में करना है, ठीक है? जैसे हम लोग groups में काम करते हैं, वैसे ant जो है वो भी groups में काम करती हैं, ठीक है? Ant जो है वो भी groups में काम करती हैं. Fill in the duties of each group of ants in the web chart. ये आपको एक web chart बनाया हुआ है, और इसमें आपको क्या लिखना है? Ants की duty लिखनी है. जैसे ants आपने देखी है ना, चीटियां कुछ खाना ले जा रही होती हैं, तो उसमें क्या होता है, सारी चीटियां खाना नहीं ले जाती हैं. एंड क्या होती है, अपने आप को ग्रुप्स में बांट लेती हैं. किसमें बांट लेती हैं? ग्रुप्स में, ठीक है? और हर ग्रुप का अलग काम होता है, ठीक है? हर ग्रुप का अलग काम होता है. वन हैज बीन डन फॉर यू, और एक आपको करके दिया हुआ है. जैसे क्वीन एंट का काम क्या होता है? ले एग्स. क्वीन, सिर्फ क्वीन एंट जो होती है वो ही अंडे दे सकती है. अब वर्कर्स एंट क्या करती हैं, नर्स एंट क्या करती हैं, सोल्जर एंट्स क्या करती हैं, और फूड गैदरर्स एंट क्या करती हैं, ये आपको खुद लिखना है, ठीक है? अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो यू हैव टू यूज योर इंटरनेट. इंटरनेट को यूज करो, फोन को यूज करो, ठीक है? और ये आपको खुद से फिल करना है, ठीक है? लेट्स स्टार्ट विद द पोएम. पोएम से स्टार्ट करते हैं. अ लिटिल बर्ड मतलब एक छोटी चिड़िया. Once I saw a little bird coming hop hop hop. एक बारी मैंने क्या देखा, एक छोटी चिड़िया को देखा जो कैसे आ रही थी, hop hop hop. यानी उसके चलने की आवाज को क्या बोला है, hop hop hop. So I cried out, little bird, will you stop stop stop? तो मैंने क्या, cried मतलब यहाँ रोना नहीं है, चिल्लाया. छोटी चिड़िया, क्या तुम रुकोगी? I was going to the windows to say how do you do. But she shook his little tail and away he flew. यानी मैं विंडो के पास गया और क्या बोला, how do you do बोलने वाला था. ये बोलने के लिए मैं विंडो के पास गया कि चिड़िया को कि आप कैसे हो, ये पूछने के लिए जाने वाला था. But she shook his little tail. मगर उसने अपनी जो छोटी सी पूंछ थी वो हिलाई and away he flew और उड़ गई. ठीक है बेटा, आपकी जो पोएम है फर्स्ट चैप्टर की A Little Bird यहीं पर फिनिश होती है, ठीक है? इसमें आपको एक और यहाँ पर छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है. क्या है ये, वही सेम पोएम है. इस पे आपको नंबरिंग करनी है. जैसे फर्स्ट लाइन जो है कमिंग हॉप हॉप हॉप, क्योंकि वंस अ लिटिल बर्ड वाली लाइन आपको नहीं दे रखी, तो ये आपको वन नंबर डालना है. सबसे पहले लाइन कौन सी आई है, ठीक है? उसके बाद क्या था, सो आई क्राइड अ लिटिल बर्ड, सो यहाँ पर टू नंबर, ठीक है? ऐसे आपको सबके आगे नंबर्स डालने, ठीक है? And here is a conversation activity that has been given in your book. Conversation activity क्या है कि आपको क्या करना है, रोल प्ले करना है. देखा है जैसे एक्टिंग करते हैं हम लोग, मूवीज में देखते हैं, पिक्चर्स में देखते हैं कि लोग एक्टिंग कर रहे हैं, तो ऐसे ही आपको एक्ट करना है. कस्टमर वॉन्ट टू टेक समथिंग लिल स्पाइसी. एक जना कस्टमर बनेगा और एक बनेगा वेटर. तो कस्टमर को क्या चाहिए था, कस्टमर को एक कम तीखा खाना चाहिए था, बट जो वेटर था उसने बहुत ज्यादा तीखा खाना उनको टेबल पर दे दिया. A hot conversation started between them. और अचानक से उनके बीच में बहस छिड़ गई. Hot conversation मतलब बहस, ठीक है? Write and play the conversation aloud in the classroom. और ऐसा आप इमेजिन करिए कि आप एक कस्टमर हैं, या आपका जो फ्रेंड है वो वेटर है, या वो वेटर है आप कस्टमर हैं, और अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपको जो खाना चाहिए होता है उससे एकदम ऑपोजिट खाना आपको मिल जाए, आपको बिल्कुल तीखा नहीं खाना, आपको कुछ मीठा खाने का मन है या कुछ कम तीखा खाने का मन है, और वो आपको एकदम तीखा खाना सर्व कर दे और आप उसको खा लो, तो किस तरीके की कॉन्वर्सेशन आप लोगों के बीच में होगी, वही कॉन्वर्सेशन आपको सोचकर खुद से लिखनी है, ठीक है? आपकी जो फर्स्ट वीडियो है और ये जो फर्स्ट चैप्टर है बेटा, यहीं पर फिनिश होता है.